हाय, ये मैं हूँ, ये मेरा वर्ल्ड है और यहाँ पे कोई पार्टी नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे पार्टी करने के लिए कोई बच्चा ही नहीं है। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस रियली सैड वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। हाँ, तुमने जो भी टाइटल थंबनेल में देखा है वो सही देखा है। आई नीड आंसर्स ऑन हाउ दिस हैपेंड। एंड वेल, अगर तुम अभी तक सोच रहे हो कि मुझे विलेजेस कहाँ से मिले और ये सब कैसे हुआ, तो चलो मैं बताता हूँ कि ये सब शुरू कैसे हुआ। सो ये एक्चुअली एपिसोड 4 के बाद हो रहा है और अभी तक एपिसोड 4 मैंने अपलोड नहीं किया है। अगर तुम्हें याद होगा, अभी तक मेरे पास एपिसोड 3 में विलेजेस नहीं थे, ना ही ब्लेज वॉर्ड्स यहाँ पे कुछ चीज़ें थी, लेकिन एपिसोड 4 मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है और अब उसे सिर्फ और सिर्फ एडिट करना है। सो दिस इवेंट टेक्स प्लेस आफ्टर एपिसोड 4। मैं सिर्फ और सिर्फ इसे अपलोड कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले, अगर किसी को पता है तो मुझे पता चले कि मेरे विलेजेस डिसअपीयर कैसे हुए। तो चलो मैं तुम्हें अब ये एपिसोड 4 की लंबी कहानी छोटी करके बता दूंगा। तो एपिसोड 4 में सीधा मैं नेदर गया, नेदर जाके फोर्ट्रेस से ब्लेज गॉड्स और नेदर वॉट लाया। सो उनसे मैंने वीकनेस के पोशन बनाए और उसके साथ ही गोल्डन एप्पल्स बना के 2 ज़ॉम्बी विलेजर्स को नॉर्मल विलेजर्स में कन्वर्ट किया। तो बेसिकली अब मैं नॉर्मल विलेजर्स जैसे उनके साथ ट्रेड कर सकता हूँ और वो मेरी जान लेने की कोशिश नहीं करेंगे, ऑफकोर्स नॉट लाइक ज़ॉम्बीज। और उनको मैंने इस घर के अंदर रखा था, ये एक्चुअली स्पेशली विलेजर्स के लिए बनाया गया था टू कीप देम सेफ फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड, इंक्लूडिंग मॉब्स एंड ऑफकोर्स देमसेल्व्स, क्योंकि विलेजर्स थोड़े बेवकूफ़ होते हैं और वो गिर गिर के डैमेज लेने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो वाई, बट आई सीन दैट इन अदर वीडियोज बिफोर। नाउ ऑल ऑफ दैट असाइड, यहाँ तक सब कुछ ठीक ही था, लेकिन इसके बाद जो हुआ, दिस वॉज रियली सैड एंड आई हैव नो आइडिया हाउ दिस हैपेंड। तो मैं कल शैडो फैक्ट्री की एक वीडियो एडिट कर रहा था और मैंने डिसाइड किया, वैसे भी मेरे पास विलेजर्स हैं तो मैंने अपने माइनक्राफ्ट के गेम को ओपन करके रख दिया ताकि मेरे क्रॉप्स ग्रो हो और उसके साथ मैं 1-1.5 घंटे तक कंटिन्यूसली एफके फिशिंग करता रहा। बीच बीच में क्रॉप्स हार्वेस्ट करने के लिए गया था, दैट्स वेरी मच इट। आई डिडंट सी एनीथिंग आउट ऑफ दी कॉमन, सब कुछ ठीक था। और ऑफ कोर्स मैं इन 2 घंटों के टाइम के बीच में बिल्कुल भी सोने नहीं गया था माइनक्राफ्ट में। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम अ बिट सस्पिशियस अबाउट, जिससे मेरे विलेजर्स डिसअपियर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी मैंने फाइंड नहीं किया कि विलेजर्स तुम ना सोने की वजह से डिसअपियर होंगे। विलेजर्स डोंट डिस्पॉन नॉर्मली, तो ऐसे गायब हो जाते हैं, ऐसे नहीं होता। तो इस 1-1.5 घंटे के एएफके फिशिंग सेशन के बाद मैंने अपने क्रॉप्स फिर से हार्वेस्ट किए और विलेजर्स से ट्रेडिंग करने गया और मेरे विलेजर्स गायब। देयर इज लिटरली नथिंग, मेरे विलेजर्स के घर में 1 विलेजर तक नहीं था। आई हैव नो आइडिया हाउ दिस हैपेंड, क्योंकि ये पूरा घर विलेजर प्रूफ है, मतलब विलेजर्स को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, ना ही इसमें कोई मॉब स्पॉन हो सकते हैं, ना ही ये विलेजर्स बाहर जा सकते हैं इस जगह से। तो इससे पहले कि तुम बोलो कि ऑफकोर्स ये विलेजर्स हैं और ये कहीं भी ऐसे जाके मर गए होंगे या फिर ज़ॉम्बी स्पॉन होकर मार चुका होगा इन्हें, ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। इससे पहले कि तुम ये कॉमेंट करो, ये पूरी वीडियो देख लो पहले, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये विलेजर प्रूफ कैसे है। तो जैसे ही तुम देख सकते हो, अंदर आने के टाइम यहाँ पे एक आयरन डोर है और विलेजर्स आयरन डोर्स ओपन नहीं कर सकते। एक्चुअली आयरन डोर्स वैसे भी हाथ से नहीं ओपन होती, इनको ओपन करने के लिए प्रेशर प्लेट्स या बटन्स या फिर लीवर्स लगती हैं। तो सिर्फ उसकी वजह से ना ही इसको विलेजर्स ओपन कर सकते हैं, ना ही इसको ज़ॉम्बीज तोड़ सकते हैं। ज़ॉम्बीज सिर्फ और सिर्फ वुड डोर्स तोड़ सकते हैं, वो आयरन डोर्स नहीं तोड़ सकते। ऑलराइट, दैट्स क्लियर। और अगर तुम यहाँ पे अंदर आओगे तो यहाँ पे एक ओपन एरिया है जिसको मैंने पूरी तरह से फेंस कर दिया है और फेंस के ऊपर से तुम कूद नहीं सकते। मैंने खुद इसको ट्राई करके देखा है, कोई भी ऐसे फेंस में वीक स्पॉट्स नहीं है जहाँ से विलेजर्स कूद के जा सके, इट्स वेरी मच इम्पॉसिबल। और ऑफकोर्स ये पूरी जगह ग्राउंड से 1 ब्लॉक ऊंची है तो ज़ॉम्बीज इसके अंदर आ ही नहीं सकते, इट्स लिटरली इम्पॉसिबल, ना ही वो कोई डोर तोड़ सकते हैं अंदर आके। सो ऑफकोर्स घर के अंदर जाने के लिए यहाँ पे मैंने वुड डोर्स लगाई थी ताकि विलेजर्स को थोड़ी सी फ्रीडम मिले, सो दे कैन जस्ट रोम हियर एंड देयर। और इस पूरी जगह फ्लोरिंग स्लैब से बनी है और स्लैब्स पे ज़ॉम्बीज या फिर कोई भी मॉब स्पॉन नहीं हो सकते। जहां तक मुझे पता है, मॉब्स सिर्फ और सिर्फ फुल ब्लॉक्स पे स्पॉन हो सकते हैं, ना ही स्लैब्स पे। दैट इज वन। और उसी के साथ ही मैंने इस बीच के रो में जैकोलैंडर्स लगाए हैं और उसके ऊपर कारपेट्स भी लगाए हैं, और फिर से कारपेट्स पे भी ज़ॉम्बीज स्पॉन नहीं हो सकते, ना ही कोई मॉब स्पॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट, लाइट लेवल्स। माइनक्राफ्ट में ऐसा एक मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं लाइट लेवल्स। सो द मैक्सिमम लाइट लेवल इज 15 एंड द मिनिमम इज 0। और मैंने यहाँ पे जो बीच में जैकोलैंडर्स लगाए हैं वो एक लाइट सोर्स है, जैसे कि एक टॉर्च। और मॉब्स सिर्फ और सिर्फ लाइट लेवल 7 या उसके नीचे स्पॉन हो सकते हैं, उसके के ज्यादा लाइट लेवल पे मॉब्स स्पॉन नहीं होते। और इस पूरे जगह पे लाइट लेवल 7 के नीचे जगह है ही नहीं, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे 15, 14,
13, 12 एंड 11 और अगर लाइट लेवल कम भी हो गए तो 10 भी कंसिडर कर लो, स्टिल मॉब्स कैन स्पॉन हियर। और अगर तुम लाइटिंग के बारे में सोच रहे हो, अगर लाइट लेवल 0 भी हो जाए बिकॉज ऑफ द रीजन दैट दिस होल प्लेस इज मेड ऑफ स्लैब्स, मॉब्स फिर भी इसके ऊपर स्पॉन नहीं हो सकते, ठीक है। और ऑफकोर्स छत पे 2-4 ग्लास ब्लॉक्स हैं, अगर तुम सोच रहे हो कि उन पे रात होने के बाद मॉब्स स्पॉन होकर अंदर आ जाएंगे, ऐसे भी नहीं हो सकता क्योंकि बिकॉज स्टिल मॉब्स कैन स्पॉन ऑन ग्लास, ना ही कोई विलेजर्स इसे बाहर जा सकता है। तो मेरे विलेजर्स डिसअपियर कैसे हुए ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। और मेरे इस पूरे बेस में सिर्फ और सिर्फ ड्राउन और जॉम्बीज हैं जो स्पॉन होते हैं जो विलेजर्स को मार सकते हैं। स्केलेटन, क्रीपर, स्पाइडर्स, फैंटम्स भी कंसिडर कर लो या फिर एंडरमैन, वो विलेजर्स को नहीं मारते, सिर्फ और सिर्फ जॉम्बीज, हस्क, जॉम्बी विलेजर्स एंड ड्राउन, ऐसे जो भी जॉम्बीज के वेरियंट्स होते हैं। तो जैसे कि तुम देख सकते हो ये पूरी जगह विलेजर प्रूफ है, इट्स टोटली विलेजर प्रूफ, नथिंग कैन गेट इन, नीदर कैन द विलेजर्स गो आउट। तो मेरे विलेजर्स गायब कैसे हुए, अगर तुम लोगों को पता है या फिर तुमने ऐसा कुछ फाइंड किया है तो कमेंट कर दो नीचे। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे और ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं था उनमें कि मेरे विलेजर्स डिस्पॉन हो सके, आई डिडंट रियली फाइंड एनीथिंग। द ओनली थिंग आई फाउंड कि लोग कंप्लेन कर रहे थे ऐसे कुछ, मुझे एक रेडिट का पोस्ट मिला था उसके साथ ही कुछ वीडियोस भी मिले थे जहाँ पे लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि उनके विलेजर्स गायब हो गए, मतलब वैसे ही गायब, आई हैव नो आइडिया हाउ। कुछ लोग एक्सप्लेन कर रहे थे कि ज़ॉम्बीज की वजह से या फिर ज़ॉम्बी स्पॉन होके एक लाइट लेवल कम होने की वजह से ऐसा कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। मैंने इस पूरे घर को विलेजर प्रूफ बनाने के लिए सब कुछ कर दिया था एंड स्टिल माई विलेजर्स जस्ट डिसअपीयर्ड, आई हैव नो आइडिया हाउ, आई हैव नो आइडिया हाउ माई विलेजर्स डाइड। अगर तुम लोगों को पता है तो कॉमेंट कर दो। ये माइनक्राफ्ट के वीडियो का नेक्स्ट पार्ट नहीं था, दिस इज लाइक जस्ट जैसे एपिसोड 4 के बाद होता है, तो मैं एपिसोड 4 जल्दी अपलोड कर दूंगा, देखेंगे कब। सो दैट बीइंग सेड, लेटेस्ट वीडियो स्क्रीन पे आ रही हैं। अगर तुम लोगों ने अभी तक माइनक्राफ्ट की सीरीज चेकआउट नहीं की है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और अगर तुम लोगों ने चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर लो। और उसी के साथ ही अगर तुम चैनल पर नए हो और तुम्हें ये वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो। दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।